हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थंबनेल में कि जिन भी ऐप से आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के विनिंग करते हैं, उन सबके लिए एक न्यू टैक्स रूल आया हुआ है जो आपके ड्रीम इलेवन के साथ साथ इसके जैसे जितने भी ऐप हैं, चाहे वो आपका MI टीम इलेवन हो या विजन इलेवन हो या आपका जो भी पोकर हो, रमी सर्कल हो, कोई भी ऐसा ऐप जहां से आप ऑनलाइन विनिंग या अर्निंग करते हैं, उन सब पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये TDS है क्या और इसमें न्यू चेंजेस क्या हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो न्यू टैक्स है, यानी जो न्यू TDS है, वो आपका 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है, पहले ये था कि जो अगर जब कभी आपका विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा होता था तो आपका TDS 30% कटता था, लेकिन 1 अप्रैल से जो 10,000 का थ्रेस होल्ड यानी जो लिमिट है वो होगा, लेकिन जो आपका 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में जो भी विनिंग होगी उस पर 30% का TDS कटेगा। दूसरा ये कि 1 जुलाई से ये नियम चेंज हो जाएगा और उसके बाद से जो 10,000 का लिमिट है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी ट्रांजेक्शन होंगे किसी भी फैंटसी ऐप पे या ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे, तो वहां पे आपको TDS पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि जो आपका ये TDS होगा वो आपकी नेट विनिंग पे होगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो भी आपकी नेट विनिंग होगी उस पे ये TDS लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो नेट विनिंग होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, ड्रीम इलेवन ऐप को हाँ मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं कि ये गुजरात और चेन्नई के 3 दिन बाद मैच है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक, जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो आपका नेट विनिंग जो कैलकुलेट होता है उसका तौर तरीका होता है ये कि जो प्राइज आपने जीता हुआ है, ठीक है, उसमें से जो आपकी एंट्री अमाउंट है वो माइनस हो जाती है और जो बचता है वही आपका नेट विनिंग अमाउंट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 19 वाला अगर आप लीग ज्वाइन करते हैं, अगर आप यहाँ से विन करेंगे तो आपको 66 रुपीज मिलेगा। ठीक है, और इस 66 में से अगर 19 रुपये अगर आप माइनस कर देते हैं और जो अमाउंट आएगा वो आपका नेट अमाउंट होगा। ठीक है, अगर इसमें अगर आपका कैश बोनस भी एज अ एंट्री अमाउंट के रूप में अगर यूज हुआ तो वह भी इसमें से माइनस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जो सेकेंड मैच है जिसमें आपको 45 रुपया एंट्री है और नंबर वन प्राइज 90 रुपया। ठीक है, अगर आपके ड्रीम इलेवन का वैलेट में अगर कैश बोनस है और इसको आप ज्वाइन करते हैं तो कैश बोनस आपका 25 रुपया और 20 रुपया आपका डिपॉजिट अमाउंट से या विनिंग अमाउंट से कटेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 90 रुपया विन करते हैं तो ये 45 रुपया टोटली आपका माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वही आपका नेट विनिंग अमाउंट होगा। इस पे ही आपको अभी जो भी जानकारी है उसके अनुसार आपको TDS पे करना है। ठीक है, अभी और ज्यादा डिटेल ड्रीम इलेवन के आपकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कोई और भी अगर चेंजेज होते हैं आपका नेट विनिंग कैलकुलेशन में भी, वो भी आपको अपकमिंग वीडियोस में हम बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसी प्रकार से आपका TDS लगेगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और किसी प्रकार कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और भी कोई अगर न्यूज आती है टैक्स से संबंधित ड्रीम इलेवन या किसी और फंडसी के लिए तो हम आपको बता देंगे कि उस वहाँ पे जो नेट विनिंग कैलकुलेशन है उसका तौर तरीका क्या है। ठीक है, कुछ चेंज हुआ है या ओल्ड वाला ही चल रहा है। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।